अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं दानिश बर्ड टीवी। तो भाई आज हम मौजूद हैं मोहसिन भाई के सेटअप में। तो इनके पास हम आए हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं इनके पास जो इन्होंने सीज़न में ब्रीड करवाने हैं। तो अभी सीज़न से पहले हम इनके पास विज़िट करने आए हैं, इन्होंने क्या सीज़न में लगाना है, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? कैसे हैं भाई? तो आपने क्या क्या तैयारी की है सीज़न की? सर इस दफ़ा हमने तैयारी की है, कुछ हमारे पुराने पेड़ हैं, कुछ हमने नए लगाए हैं, और कुछ हमारे पास पेल फैलो की स्पीड पेल फैलो हैं, फिशर हैं, फिशरिए हैं, एल्बिनो के हमने पट्टे रोके हुए हैं, पार ब्लू के रोके हुए हैं, और उसमें कुछ म्यूटेशन हमारी पुरानी लगी हुई है, पेड़ हैं ऑफलाइन है हमारे पास, और क्रीमिनो है, एल्बिनो तो एल्बिनो है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन स्पीड ब्लू कन्फर्म होंगे, पार ब्लू ऑफलाइन होंगे। इनकी हमने ये पहले साल की जो हमारे 2 साल पुराने पेड़ हैं ये वो हैं, और नए पेड़ हम जो लगाएंगे वो आपको हम वीडियो में दिखा देंगे, प्लीज़ देख लीजिएगा आप। व्यूवर्स, हम आपको दिखाते हैं मोहसिन भाई के बर्ड्स हैं जो इन्होंने लगाए हुए हैं, तो आए इनके बर्ड्स देखते हैं। तो जी मोहसिन भाई, ये अल्बाइनो राइडाइज आपने लगाया हुआ है? अल्बाइनो राइडाइज तो राइडाइज है हमारा लगा हुआ, तो लोग बोलते हैं कि जी इसके अल्लाह भला करे कि सर्वाइव नहीं सही होते बच्चे हमारे पास, माशाल्लाह से ये 3 साल से लगा हुआ पेड़ है, और इसके बच्चे 4 से 5 हमारे पास फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, यानी कि पालते हैं। ये एल्बिनो तो एल्बिनो लगा हुआ है, रेडाइज में है ये। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसमें पार ब्लू है और अल्बाइनो है। तो मोहसिन भाई आप बताएँ कि ये कौन से बर्ड आपने लगाए हैं, ये पेड़ है आपका या एक चिक है इसमें कोई? यार ये हमारा 1.5 साल का पेड़ है, नर्मदा कन्फर्म है, और हमारा जो ये पार ब्लू की फिशरी है ये एल्बिनो की है हमारी, एल्बिनो एक लगा हुआ है इसके साथ, ये फीमेल है, और ये एक इनका हमने चिक रोका हुआ था, ये क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा खा पी रहा है, तो हमने 2.5 महीने का भी इसको भी हम हटाएंगे भी बाद में, इसको हम एक साइड पर कर लेंगे। अच्छा, सेल्फ होने का वेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सेल्फ होने का हम वेट कर रहे हैं, इसको सेल्फ होगा फिर हम हटा देंगे। चलो जी, दूसरा नेक्स्ट पेड़ देखते हैं। तो जी व्यूअर्स आप देखें, ये भाई ने एक और पेड़ लगाया हुआ है, ये मोहसिन भाई। तो जी भाई ये बताइएगा, ये वाला पेड़ आपने कौन सा लगाया, किस वर्किंग के लिए? यार ये हमारा क्रीमिनो वर्किंग का लगा हुआ है, इसमें पार ब्लू स्पीडिनो का मेल है और एल्बिनो रेडाइस की फीमेल है, ये हमने क्रीमिनो की वर्किंग के लिए लगाया है, ये हमारा 2 साल पुराना पेड़ है। ठीक है जी, ठीक है। पार ब्लू के अंदर ये आपको पेड़ शो हो रहा है, तो ये भाई से पूछते हैं कि ये पेड़ कौन सा है और किस वर्किंग के लिए लगाया आपने? यार ये पार ब्लू तो पार ब्लू ऑफलाइन है हमारे पास, विजुअल तो विजुअल लगाया हुआ है हमने, और बाकी आप इसका हेड वेड देख लें, मैंगो हेड में है ये बिल्कुल, और शार्पनेस भी इसकी देख लें, फेदर्स देख लें, फिश मार्किंग चेक कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी है। चलिए जी, ठीक है। तो जी मोहसिन भाई, ये वाला आपका कौन सा पेड़ है? यार ये ब्लैक टू ब्लैक लगाया हुआ है हमने एल्बिनो रेडाइज में, और स्पीडिनो है ये कन्फर्म, और ये जितने तमाम हमारे बर्ड हैं ना एल्बिनो में, ये हमारे पास फिशरी में हैं, कोई पर्सनाटा में नहीं, बच्चे भी अच्छे आते हैं अगर हम उसको पार ब्लू स्पीडिनो से भी लगाएं तो। अच्छा जी, तो जी भाई आप मुझे बताएं कि आपने काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं जो अल्बाइनो और पार ब्लू के साथ लगाए हुए हैं, तो किस वर्किंग से क्या मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस क्या करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि इस टाइम में मार्केट का हॉट आइटम चल रहा है क्रीमिनो डेकिनो, हमने ये उनकी वर्किंग के लिए लगाए हुए पेड़ हैं, और माशाल्लाह से हमारे पास आ भी रहे हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो बुक करवाया होता जिन्होंने माल, उन्होंने हमारे से उठा भी लिए क्रीमिनो डेकिनो वगैरह, ये उनकी पेयरिंग है हमारे पास ज़्यादा तो। चलो जी, गुड हो गया। तो जी मोहसिन भाई, ये मुझे बड़े साइज़ के अंदर दिख रही है, मेल है या फीमेल है? सर ये फीमेल है हमारी, इसके ये इतने बड़े साइज़ में क्यों हैं? ये बड़े साइज़ में इसलिए है भाई कि ये हम लोग कुछ तो नेचुरल चीज़ें देते हैं वो है, और हमारे पास इससे इसका रिज़ल्ट आ रहा है जो 12 से 13 अंडे का रिज़ल्ट आ रहा है भाई, इसके जो जितने अंडे हैं ये सर्वाइव नहीं कर, बच्चे भी हमारे पास आते हैं इंशाल्लाह ताला, आपको भी दिखाएंगे जब हम बॉक्स लगाएंगे, फ़िलहाल हमने बॉक्स नहीं लगाया, आपको दिखाएंगे इस पेड़ की। ठीक है जी, गुड हो गया, नेक्स्ट पेड़ दिखाएं। तो जी भाई ये पेड़ कौन सा है आपका? भाईजान ये हमारा ग्रीन ऑफलाइन स्पीड ब्लू का मेल है, और इसके साथ पार ब्लू की हमने फिशरी में इनो है वो भी, तो हमने इसके साथ वो लगाई हुई है वर्किंग के लिए। तो जी मोहसिन भाई, ये वाले कौन से बर्ड है आपके पास अल्बाइनो के अंदर? दानिश भाई ये रेड टू ब्लैक लगाया हुआ है हमने, यानी कि इसको पेयरिंग को हमने किया हुआ है, यानी कि सेल्फ इसकी ना थोड़ी बच्चे जो आते हैं सर्वाइव करते हैं अच्छे, ये 2 से 3 बच्चों इसके जो ना हमारे पास रेड आइज़ आते हैं, ब्लैक आइज़ आते हैं, ये स्पीड इनो है दोनों। अच्छा, इसके जो रेड आई बच्चे आपके पास आते हैं वो इसकी ब्लड लाइन जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपने ये पेयरिंग की हुई है? जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ब्लैक लगाया हुआ इसके साथ। अच्छा जी, ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाएं। तो जी मोहसिन भाई, ये आपने काफ़ी सारे अल्बाइनोज रखे हुए हैं, इसमें पार ब्लू भी दिख रहा है,
तो ये इसका क्या करेंगे आप, सीज़न के अंदर लगाएंगे या चिक्स हैं ये क्या ये? जी बिल्कुल, ये हमारे रेडी टू ब्रीड फर्स्ट ब्रीड के तैयार पेड़ हैं। हमने इसके अंदर DNA करवाए हुए इनके, तो इंशाल्लाह ये हमारे 32 से 33 पेड़ बनेंगे इस साल के। हमने ये नई थोड़े लगाए हैं ताकि आगे, ये हमारा जो पार्बलू है ये ऑफलाइन में है, ये विजुअल तो विजुअल जो आपको दिखाया ये उसका बच्चा है। ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाएं। तो जी मोहसिन भाई, यार ये बहुत खूबसूरत बर्ड्स दिख रहे हैं मुझे, तो अच्छा काफ़ी ह्यूज साइज़ है इनका, तो ये आपने क्या लगाया हुआ है? भाई इसके अंदर हमारे पास ग्रीन ऑफलाइन है, स्पीड पेल फेलो है, और फिशरियाँ हैं वो भी स्पीड पेल फेलो की हैं, और जो फिशर आपको नज़र आ रहे हैं तमाम के तमाम, ये सब के सब स्पीड पेल फेलो हैं, हमारे पास लगे हुए हैं। ये भी ये आपने किसी से लिए हैं या आपकी होम ब्रीड है ये? ये यार मेरे उस्ताद हैं, गुलशन में रहते हैं, तो ये नोइल भाई हैं, वो उनसे मैंने, मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, मैंने उनसे परचेज किए हुए ना इस साल। ये मैं विजुअल तो नहीं लगा रहा, लेकिन ये मैं स्पीड तो स्पीड लगाऊंगा, क्योंकि 89% जो है ना कलेक्ट कर दे जाते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, विजुअल टू विजुअल नहीं लगा रहे और आप जो है ना स्प्लिट टू स्प्लिट लगा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो जी व्यूअर्स, आपने भाई का सेटअप विज़िट किया है, तो अगर आपने भाई से कोई सेलिंग परचेजिंग करनी हो तो भाई का नंबर लीजिए और भाई का एड्रेस पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, हम सेल परचेज भी करते हैं, देते हैं, हमारे से लोग घर से भी लेकर जाते हैं। और अपना ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसको भी अभी चाहिए, अभी तो सीज़न जो ना स्टार्ट हो गया हमारा, जितने हमारे पास पट्टे आए हुए थे तमाम के तमाम वो हमने सेल कर दिए। कुछ बुक थे वो रुके हुए थे, वो भी 2-3 दिन हो गए हमारे चले गए हैं, तो इंशाल्लाह ये करेंगे कि ये जो साल में आने वाले में किसी भाई को भी चाहिए हो कुछ भी, तो हम उनको अवेलेबल करके देंगे। हमारे पास जो भी चीज़ आएगी हम बिल्कुल वीडियो में ऐसे ही दिखाएँगे आपको, इंशाल्लाह दानिश भाई आपको दिखाएँगे। और मेरी लोकेशन स्टारगेट की है भाई, मेरा नंबर है 03412322397, मोहसिन नाम है मेरा। आप कोई बर्ड्स के हवाले से भी कुछ पूछना चाहें हमारे से तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो जी बस ये था हमारा छोटा सा सेटअप, तो मोहसिन भाई का सेटअप तो हमने विज़िट किया, बहुत ही खूबसूरत परिंदे थे इनके पास, तो जी इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।